तो इतने सारे मंथ हो चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोग को बेवरेट बस स्टॉपों का नामो निशान टीवी पे देखने को नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि यार क्यों बेवरेट बस स्टॉप अभी तक हम लोग को टीवी पे देखने को नहीं मिला है एंड कब तक वो हम लोग को टीवी पे देखने को मिलेगा। वेल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करो कि यार आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि यार ये वीडियो काइंड ऑफ एक कोलैब है तो आप लोग इस वीडियो को आगे एंजॉय कर सकते हो। सो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के न्यू एपिसोड्स हमें कब तक देखने को मिलेंगे? सो इस क्वेश्चन पे तुम कह सकते हो काफी सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है एंड काफी सारे लोग अपने अपने गैसेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे कि हमें कब तक न्यू एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस यार, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि भाई बेब्लेड बर्स्ट सीरीज, इतनी ज्यादा कमाल की सीरीज हमें इतनी जल्दी देखने को मिल गई, वो भी हिंदी डब के अंदर। एंड गाइस, वो बात अलग है कि हमने इस सीरीज को स्टार्टिंग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि देखो हम सब लोग वेट कर रहे थे मेटल सीरीज का, अचानक से कोई अलग ही सीरीज आ जाएगी तो भाई कौन देखना पसंद करेगा। लेकिन गाइस यार, उसके बाद भी हम बेब्लेड फैंस ने इस सीरीज को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा एंड हम सपोर्ट करते गए। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिनको ये सीरीज स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग रही थी एंड गाइस वो लोग भी इस सीरीज को लेकिन सपोर्ट कर रहे थे। एंड जैसे ही इस सीरीज थोड़ा इंटेंस मोड पहुंची, तुम कह सकते हो तब पूरी बेल्ड फैंस को लग गया था, सारे जितने बेल्ड फैंस थे सबको ये लग गया था कि ये सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज है और इस सीरीज को सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है और एकदम नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिखाया है बेल्ड फैंस ने। और गाइस यार, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई हमें क्यों इसके न्यू एपिसोड दिखाना बंद कर दिया और हमें कब तक न्यू एपिसोड देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी क्या सीन चल रहा है। तो अभी जैसे तुम्हें पता है हमें देखने को मिल रहा है बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन सीजन 2 हमें देखने को मिल रहा है और ये दो तीन बार रिपीट हो चुका है। सो ये तो बात हुई यार अभी की बात की। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो पॉइंट नंबर 1 तो कह सकते हो मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है। तो काफी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई इसकी डबिंग कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए हमें इसके न्यू एपिसोड देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। देखो, इसकी डबिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और बहुत पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जब बेब्लेड बर्स्ट सीरीज टीवी पर नहीं आई थी उससे पहले इसकी डबिंग जो थी कंप्लीट हो गई थी, तो डबिंग का इशू नहीं है। एंड गाइस, अगर हम बात करें सेकंड रीजन के बारे में, तो अभी भी काफी सारे लोगों को यही लगता है कि भाई एग्जाम्स की वजह से हमें न्यू एपिसोड दिखाना बंद कर दिया है, एग्जाम इसके पीछे का मेन रीजन है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो, एग्जाम का कुछ रीजन नहीं है क्योंकि जैसे तुम्हें पता है एपिसोड बंद हुए थे जनवरी मंथ के अंदर और अभी तुम देख सकते हो अप्रैल मंथ चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है बहुत जल्द। तो तुम खुश हो सकते हो यार, इतने लंबे टाइम तक किसी एग्जाम नहीं चल रहा और अभी करंट की बात करो तो एग्जाम्स में पोस्टपोन हो चुके हैं तो हमें कहां देखने को मिलेगा न्यू एपिसोड। तुम खुश हो रहे हो, एग्जाम इसके पीछे का मेन रीजन बिल्कुल भी नहीं है। सो यार, जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑडियंस। मतलब यार, मारा लचकू ने सिर्फ इतना इसलिए किया क्योंकि देखो यार, अगर वो सीरीज को पूरा दिखा के कंप्लीट कर देते तो यार उनको यार उसके बाद कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन अगर वो सीरीज को बीच में दिखा के छोड़ देते तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यार वापस से शुरू करना चाहेंगे उस सीरीज को, मतलब वापस से देखेंगे उस सीरीज को। एंड काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यार उस सीरीज को देखा ही नहीं कभी, वो मतलब एक नई सीरीज समझ के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। एंड ऐसे ऐसे करते करते काफी लोग आएंगे जो करते 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 मतलब जहां तो उन्होंने छोड़ा है, जहां पर उन्होंने रोक दिया था, जिसके बाद से नए एपिसोड आना बंद हो गए थे, वहां तक ऐसे ऐसे करके पहुंचेंगे कई सारे लोग। तो उसके बाद अगर वो नए एपिसोड दिखाना शुरू करेंगे तो उनको एक ज्यादा बड़ी ऑडियंस मिलेगी अगर कंपेयर करें आज से एक दो महीने पुराने वाली ऑडियंस से। क्योंकि इस एक दो महीने के अंदर गैप के अंदर जैसे उन्होंने दिखाना बंद किया है, उसके बाद भी कई सारे लोग होंगे जिन्होंने बेब्लेड बर्स्ट देखना स्टार्ट किया होगा, मतलब पहले एपिसोड से, एंड जहां तक उन्होंने छोड़ा तब तक वहां तक देख लिया होगा। तो ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ी बड़ी ऑडियंस मिलेगी एंड उन्हें ज्यादा थोड़ा फायदा होगा। तो ये भी काफी सही पॉइंट है एंड ये भी मतलब कह सकते हो तुम कि ये पॉइंट हो सकता है। एंड मतलब ऐसा कौन सा चैनल जो अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहेगा, मतलब हर कोई चैनल अपना प्रॉफिट देखना चाहता ही है, तो ये पॉइंट भी काफी वैलिड है। सो अब हम बात करते हैं थर्ड एंड सबसे मोस्ट वैलिड पॉइंट के बारे में, जो कि सेकंड पॉइंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है। एंड तुम कह सकते हो इसके अंदर पॉइंट के अंदर हमें कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी मिली थी। अब वो क्या है तुम्हें इस पॉइंट में पूरा पता चल जाएगा। तो ये है भाई चैनल प्रॉफिट से रिलेटेड ही, कि जैसे तुम्हें पता ही कि देखो बेब्लेड बर्स्ट सीरीज जो है वो चाहते तो यार एक या डेढ़ महीने के अंदर ही पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन गाइस यार, ऐसा देखने से लगता है कि यार ये सीरीज जो है अभी एक डेढ़ महीने छोड़ो, ये कुछ तीन या चार महीने चलेगी। क्योंकि देखो, मारा लचकू हमेशा ऐसा ही करता है इस चीज में कि देखो जो सीरीज थोड़ी जल्दी खत्म हो सकती है उसको वो लंबा खींचता है ताकि उसको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड इसमें केस में ऐसा लग रहा है कि ये तो बात पूरी से कंफर्म है, क्योंकि देखो जो बेब्लेड बर्स्ट के वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी ये चीज रिवील करी थी कि यार देखो हर चैनल को अपना प्रॉफिट देखना होता है, तो वो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो कब दिखाना चाहते हैं, कब उनको नए एपिसोड दिखाने, कब उनको ये दिखाने। एंड उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पुराने एपिसोड जो है उनको एंजॉय करते रहो, नए एपिसोड जो है बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो आप देखो यार, वो भी पूरी तरह से हिंट नहीं दे सकते कि भाई नए एपिसोड बहुत जल्द आने वाले हैं, बस वो सिर्फ इतना दिलासा टाइप दे सकते हैं कि भाई नए एपिसोड बहुत जल्द आने वाले हैं। तो देखो यार, बस सही एक सिंपल सी बात है एंड में कि भाई देखो हर चैनल को अपना प्रॉफिट देखना होता है। जो सीरीज मतलब एक महीने के अंदर कंप्लीट हो सकती है वो चैनल जो है उस सीरीज को दो तीन महीने तक लंबा खींचता था कि उस चैनल का ज्यादा टाइम तक फायदा हो एंड ज्यादा लोग उस सीरीज को देखें एंड ज्यादा सपोर्ट करें।
हाँ तो गाइस इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है द रेड स्कार, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और मैं फैंडम मैक्सून भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को एक मौका दिया अपने चैनल पर वीडियो डालने का, तो थैंक यू सो मच फैंडम भाई यार। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और गाइस फैंडम मैक्सून के चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है। वैसे कर तो दिया होगा लेकिन अगर आपने नहीं किया इनकेस तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यार मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।